हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन द टॉपिक ऑफ एच टी एल फाइल फॉर्मेट। वाट इज एच टी एल? मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड अबाउट इन 3D प्रिंटिंग यू हैव टू कन्वर्ट यूअर फाइल इन टू एच टी एल फॉर्मेट एंड देन इट विल कन्वर्ट इन टू जी कोड्स एंड देन यूर यू विल प्रोवाइड दिस इनपुट इन द मशीन एंड मशीन विल प्रिंट यूर ऑब्जेक्ट। सो टूडे इन डिटेल्स वी विल डिस्कस अबाउट what is HTL format and what it stands for, what are the information it contains and many more things. So stay tuned. So HTL file stores information about 3D models. जो भी आपका जो 3D model है जिसको आपको print करना है उसकी जो जानकारी है, जो उसके coordinates है, वो पूरे जो store रखता है वो कौन store रखता है? आपका HTL file पूरी information रखता है। उसके बाद द फॉर्मेट डिस्क्राइब्स ओनली द सरफेस ज्योमेट्री ऑफ ए 3D ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर, टेक्सचर और अदर कॉमन मॉडल एट्रीब्यूट्स। जो आपका एच टी एल फॉर्मेट है वो ओनली जो आपका सरफेस की ज्योमेट्री है, सरफेस मतलब मान लो ये आपका कोई स्फीयर, तो इसके सरफेस के कोऑर्डिनेट्स की जानकारी एच टी एल फाइल रखता है। एच टी एल फाइल आपको ये नहीं बताता कि उसका कलर कौन सा है, ठीक है, और उसका टेक्सचर कैसा है। तो एच टी एल फाइल फॉर्मेट ओनली ज्योमेट्री की तीनों डायरेक्शन की आपको जानकारी देता है। अब जो इसका मीनिंग क्या है, तो कई बार इसमें काफ़ी सारी धारणाएं हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पहला 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो थी स्टीरियोलिथोग्राफी ऑपरेटर्स। तो उसी के नाम पर काफ़ी लोग बोलते हैं कि एच टी एल उसी के नाम पर पड़ा है। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ट्रेंगल लैंग्वेज है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर स्मॉल स्मॉल ट्रेंगल्स यूज़ करते हैं। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज है। टेसिलेशन मतलब क्या, कि एक सिमिलर वे में चीज़ों का जुड़ना। जैसे कि आप अभी देखेंगे पिक्चर्स में, द मेन पर्पज़ ऑफ द एच टी एल फाइल फॉर्मेट इज इनकोड द सरफेस ज्योमेट्री। तो मेन पर्पज़ हमारा इस फाइल का बनाना ये है कि जो हमारी जो भी ज्योमेट्री है सरफेस की, उसको हम लोग इनकोड कर दें 3D ऑब्जेक्ट को। और इस इनकोड हम करते हैं इसको यूजिंग करते हैं किसको, कॉल्ड जिस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्री को इनकोड करने के लिए, उस को बोलते हैं हम लोग टेसिलेशन। सो व्हाट इज टेसिलेशन, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। जो डायग्राम आपको दिख रहा है एक तरह का, एक जो कोई फ्लोर है उसके अंदर काफ़ी टाइल लगी हुई है। तो इसकी जो तीनों डायरेक्शंस हैं एक्स वाई जेड, आप देख सकते हैं सभी डायरेक्शंस में बराबर डायमेंशंस की टाइल्स लगी हुई हैं। सिमिलरली टेसिलेशन ये होता है कि आप मान लो ट्रेंगल लगा रहे हो, तो ट्रेंगल काफ़ी सारे एक ही वे में आसपास जुड़े हुए हो। तो इसको हम लोग कई बार ऐसे डिफाइन करते हैं कि टेसिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टाइलिंग ए सरफेस विथ वन और मोर ज्योमेट्रिक शेप्स सच दैट देर आर नो ओवरलैप्स और गैप्स। मतलब एच टी एल फाइल के अंदर जितने भी ट्रेंगल्स बनते हैं किसी के बीच में भी कोई गैप नहीं होता है, ठीक है, ओवरलैप किसी के बीच में नहीं होता है। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं इतनी टाइल्स लगी हुई है इस फ्लोर के अंदर, लेकिन किसी के बीच में भी ओवरलैप नहीं है, कहीं कम ज़्यादा गैप नहीं है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है टेसिलेशन का, इसी को हम लोग बोलते हैं टेसिलेशन। द टाइल्ड वॉल एंड फ्लोर आर सिंपल रियल एग्जांपल ऑफ टेसिलेशन, ठीक है, ओके। सो एच टी एल अब इसको यूज़ करते कैसे हैं और कैसे इसकी कोऑर्डिनेट्स हम लोग बनाते हैं, तो आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपके पास एक कोई क्यूब है, सपोज दिस इज योर क्यूब, तो क्यूब के अंदर सब जानते हैं इसके अंदर 6 फेस होती है, क्यूब के अंदर आपकी 6 फेस होती है, ठीक है। तो अब 6 फेस के अंदर अगर मैं एक फेस के ऊपर बीच एक फेस के अंदर 2 ट्रायंगल बना देता हूँ, मतलब अगर मेरा एक फेस ये है, इसके अंदर मैंने अगर एक बीच में डायगोनल खींच दिया तो 2 ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, तो 6 फेस है तो 12 ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने 12 ट्रायंगल बना दिए। तो अब हमारे पास ज़्यादा ज्योमेट्री को बताने के ज़्यादा पॉइंट्स हो गए। मेरे पास अगर क्यूब था तो मेरे पास ओनली 6 ही पॉइंट थे बताने के लिए, लेकिन मेरे पास ट्रेंगल से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो गए हैं, और उस ट्रेंगल से मैं कुछ भी बहुत ईजिली बना सकता हूँ। इसीलिए मैं हम लोग बेसिकली ट्रेंगल्स को यूज़ करते हैं टेसिलेशन के लिए। और अगर आपके पास कोई स्पेयर है, मान लो स्पेयर तो आप जानते हैं कि पूरा आपका ये होना चाहिए, लेकिन स्पेयर भी काफ़ी सारे ट्रेंगल से मिलकर बना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्मॉल स्मॉल ट्रेंगल्स यहाँ बने हुए हैं। अगर आप नंबर ऑफ ट्रेंगल्स इसमें बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि आपकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आपको प्रिंट को आने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आप इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कम करते हैं तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग बहुत जल्दी
इजीली हो जाएगी। तो आपको जितना फाइन फिनिशिंग चाहिए, जितने ज़्यादा आपको नंबर ऑफ ट्रेंगल्स बनाना पड़ेंगे। तो यही एसटीएल फाइल करता है, ट्रेंगल्स के थ्रू आपकी जो भी ज्योमेट्री है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता है, और आपकी एक्यूरेसी जो भी आती है प्रिंट की, जो भी आपको प्रोडक्शन आप करते हो, तो उसकी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं और कोड की हाइट और एंगल कितना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस पिक का यहाँ पिक्चर दिया गया है, पिक का आपने स्टील फाइल में कन्वर्ट किया तो ये पूरा स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में चेंज हो गया। अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कम है तो आप जब सरफेस पे हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा वो रफ है। क्यों? क्योंकि उसमें वो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक तरह से ट्रायंगल ही बने हुए हैं वो, ठीक है। तो स्टील फॉर्मेट बेसिकली आपका जो कैड फाइल है उसको स्मॉल स्मॉल ट्रेंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। वो ट्रेंगल क्या करते हैं, एक ट्रेंगल आपको 3 पॉइंट देता है, एक पॉइंट आपको एक्स एक्सिस बताएगा, दूसरा पॉइंट आपको वाई एक्सिस बताएगा, और तीसरा पॉइंट आपको जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट देगा। तो इस तरह से स्टेल फाइल काम करता है। इसमें कोई, जैसे मैंने आपको बताया था कि कलर और टेक्सचर ये नहीं बताता, ये उसकी ओनली कोऑर्डिनेट बताएगा। अगर आपका कोई भी कोई डाउट है इनकेस एसटीएल फाइल के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। यू कैन सब्सक्राइब इट आल्सो फॉर मोर वीडियोज़।